ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और स्टूडेंट को काफी टाइम लगता है इसे सॉल्व करने में, लेकिन आपके लिए ऐसा ट्रिक लेके आया हूं कि एक सेकंड में सॉल्व कर लोगे। तो ये चीज सीखने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला आपको बताऊंगा, देखिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट क्या करते हैं, कंपोनेंट और डिविडेंडो का यूज करते हैं, लेकिन आपको ये सब यूज करने की जरूरत नहीं है। बहुत ही गजब का ट्रिक लेके आया हूं। जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपको क्या करना है, फोकस रखना है। देखिए यहां पर जो कोएफिशिएंट है वो 8 है और यहां का जो कोएफिशिएंट है वो 4 है और यहां का कोएफिशिएंट देखिए 4 है। अब देखिए यहां पर आप 4 को मल्टीप्लाई क्या करोगे, जो 8 आएगा 4 मल्टीप्लाई 2, और यहां पर देखिए 4 को क्या मल्टीप्लाई करोगे, जो 8 होगा 4 2 जा 8, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका 2 हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ऐसे मैजिकल ट्रिक से आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। चलिए और एक क्वेश्चन आपके सामने लेके आ रहा हूं जिससे आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। देखिए और एक क्वेश्चन लेके आया हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं। देखिए यहां पर ये क्वेश्चन दिया है और किस तरह से आंसर निकाल सकते हो। तो सबसे पहले देखिए यहां पर √20 दिया हुआ है। अब कैसे करोगे आप, जो को पहले जो सिखाया मैंने, यहां पर तो कर सकते नहीं है, यहां पर भी होगा। तो क्या करना है देखिए, ध्यान से देखिए, यहां पर √20 है तो इसको अगर सिंप्लीफाई करूं मैं तो 20 को सिंप्लीफाई करने पर 4 5 20 होगा, तो 4 का अगर रूट निकाल लूं मैं तो क्या हो जाएगा, 2√5 हो जाएगा। तो यहां पर क्या लिख लेता हूं मैं, 2√5 लिख लेता हूं इसकी जगह पर। क्लियर हो गया। अब देखिए √12 क्या होगा, तो √12 क्या होगा, 4 × 3 होगा, तो 4 का रूट निकालोगे तो क्या होगा, 2 हो जाएगा। तो यहां पर देखिए इसकी जगह पर 2√3 लिख लेता हूं। अब ध्यान दीजिए, देखिए यहां पर कोएफिशिएंट जो है वो 2 है और यहां पर कोएफिशिएंट जो है देखिए 2 है और यहां पर 4 दिया है, तो 2 से क्या मल्टीप्लाई करोगे, जो 4 होगा, 2 2 4 होगा, और ये 2 देखिए यहां पर है, 2 से क्या मल्टीप्लाई करोगे, जो 4 होगा, 2 2 4 होगा। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब इसका आंसर जो है 2 है। तो उम्मीद करता हूं कि आपका क्लियर हो गया होगा। सम स्ट्रक्चर पर दोस्तों आप लोगों से बात करना चाहता हूं कि जैसे कि आप सभी लोग जानते हो 10th स्टैंडर्ड का एग्जाम करीब आ गया है और हर एक स्टूडेंट यही सोच रहा है कि किस तरह से रिवीजन करे कि बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाए। तो आपको कहना चाहूंगा रिवीजन के लिए सबसे अच्छी चीज है सैंपल पेपर को सॉल्व करना। तो आपके लिए एक बुक रिफर करना चाहूंगा दोस्तों, ओसवाल का ये बुक जिसके अंदर दोस्तों 36 सैंपल पेपर दिया है हर एक सब्जेक्ट को इंक्लूड करके, जिसके अंदर इंग्लिश मैथ्स एसएस साइंस सारे सब्जेक्ट के सैंपल पेपर आपको इसमें मिल जाएगा। और दोस्तों ये सैंपल पेपर जो डिजाइन किया है लेटेस्ट सीबीएसई जो अपडेट दिया था जैन 2022 के अंदर, उसी तरह का पैटर्न आपको इसमें मिल जाएगा। और दोस्तों सैंपल पेपर के साथ-साथ आपको आंसर नहीं, आपको डिटेल सॉल्यूशन दिया है जिससे हर चीज सीख भी पाओगे और अच्छे से रिवीजन भी हो जाएगा। तो दोस्तों रिवीजन के लिए एक अच्छी बुक है, अगर आपको ये बुक परचेस करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जाके आप परचेस कर सकते हो और बोर्ड एग्जाम में एक अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो ऑल द बेस्ट। चलिए दोस्तों आपके लिए देखिए डिफरेंट सम लेके आए हैं। देखिए ऐसे सम भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहां पर दिया गया, देखिए इफ एक्स प्लस 1/x = √29 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स माइनस 1/x आपको फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करोगे, देखिए शॉर्ट ट्रिक से फाइंड करेंगे। जब भी ऐसे क्वेश्चन दिया जाए कि एक्स प्लस 1/x = कोई भी नंबर दिया जाए, आप समझ लीजिए कि कोई भी नंबर मतलब यहां पर k समझ लेते हैं हम लोग, और पूछा जाएगा आपको ये पूछा जाएगा मतलब एक्स माइनस 1/x पूछा जाएगा, तो आपको क्या करना है, रूट के अंदर जो यहां पर होगा यहां पर क्या करना है, स्क्वायर करना है और माइनस 4 कर देना है। क्लियर हो रहा है? तो आप देखिए समझाता हूं, फाइंड हमें ये करना है। क्लियर हो रहा है? अब देखिए k मतलब क्या है, देखिए ये जो दिया हुआ है, तो देखिए √29 का आप स्क्वायर करोगे माइनस 4 होगा, तो √29 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 29 हो जाएगा, माइनस 4 कर लीजिए तो 29 माइनस 4 कितना होगा, 25 होगा, रूट में होगा, तो आंसर क्या होगा, देखिए 5 होगा। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ऐसे डिफिकल्ट सम को इजीली आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। चलिए और एक क्वेश्चन लेता हूं जिससे एक कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए। दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको बताऊं, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते तो क्या करोगे, सबसे पहले आप देखोगे, ऑब्जर्व करोगे। देखिए यहां पर पावर 11 और पावर 11 दिया है, यहां पर देखिए पावर 11 और पावर 11 दिया है, और साथ ही साथ देखिए यहां पर प्लस और यहां पर माइनस है। तो ऐसे क्वेश्चन दिया जाए तो आपको क्या करना है, सिंपल ट्रिक फॉलो करना है। क्या करोगे, देखिए आप रूट में लिखोगे के स्क्वायर, यहां पर प्लस फॉर्म में है तो यहां पर प्लस लिखोगे, यहां पर 4 लिखोगे। अब दिमाग में यह सवाल आ रहा है कि यह थोड़ा क्वेश्चन चेंज होता तो कि यहां पर जो है माइनस की जगह यहां पर प्लस होता और ये प्लस की जगह पर माइनस होता तो क्या फॉर्मूला लगाते हैं, ये फॉर्मूला लगाते हैं के स्क्वायर माइनस 4 लगाते हैं। क्लियर हो गया? चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इसको रफ कर लेता हूं मैं। अब ध्यान दीजिए,
अब देखिए यहां पर केक जो ये जो है वो क्या है, के होता है। तो देखिए के अंदर वैल्यू पुट करने जा रहा हूं, देखिए 2√15 का होल स्क्वायर प्लस 4। इसको सिंप्लीफाई करना सिखा रहा हूं बहुत ही सिंपल तरीके से, देखिए 2√15 होल स्क्वायर। अब देखें यहां पर जो ये जो 2 जो इसके साथ भी होगा, तो इसके साथ होगा क्या होगा, 2 2 4 हो जाएगा, और रूट के साथ जब होगा ये तो क्या होगा, रूट निकल जाएगा, तो मल्टीप्लाई 15 होगा। तो 15 4 कितना होता है, 15 4 60 होता है। तो यहां पर क्या करूंगा, देखिए इसकी जगह पर 60 लिखूंगा, प्लस 4 होगा, 60 प्लस 4 कितना होता है, रूट में 64 होता है। तो इसे सॉल्व करोगे तो आंसर क्या होगा, 8 होगा। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो गया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में हर एक चीज जो बताया मैंने आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके बता सकते हो। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइए। ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना भूले, क्योंकि आपका एक लाइक आपका एक कमेंट हमें इतना मोटिवेट करता है कि ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए हम बना सके। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखना। अल्लाह।